हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले कि अगर आप भीम इंडस पे एप्लीकेशन यूज करते हो और उसमें ऑलरेडी आपने आपके 2 या 3 अकाउंट ऐड किए हुए हैं और उन 2-3 अकाउंट में से आपको कोई एक अकाउंट आपका डिफॉल्ट अकाउंट चूज करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो ये बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भीम इंडस पे एप्लीकेशन में डिफॉल्ट अकाउंट या फिर प्राइमरी अकाउंट सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन कर देंगे। एप्लीकेशन ओपन करते ही ये आपको 6-डिजिट ऐप पिन के लिए पूछेगा, तो वो पिन आपको एंटर करके आगे बढ़ जाना है। एप्लीकेशन कंप्लीटली स्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देखने मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर देखने मिल जाएगा। आपका जो भी UPI आईडी है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको और भी कई ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपको देखने मिल जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली आपको 3 डैश के ऊपर टैप करना है जो लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएंगे। इन सारे ऑप्शंस में से आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन जहाँ पे माय अकाउंट्स लिखा है वो सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दोस्तों, माय अकाउंट्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स मेरे लिंक्ड है इस एप्लीकेशन में वो सारे अकाउंट्स यहाँ पे विजिबल है। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे, आप अगर चेक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडसइंड बैंक के ऊपर यहाँ पे ग्रीन टिक है अभी के टाइम पे, तो वो मेरा प्राइमरी अकाउंट मैंने रखा है इस एप्लीकेशन में। बट अगर मुझे चेंज करना है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं कोटक महिंद्रा बैंक का जो मेरा अकाउंट है उसे मैं अपना डिफॉल्ट अकाउंट या फिर प्राइमरी अकाउंट रखना चाहता हूं, तो यहाँ पे सिंपली उसके आगे जो एक छोटा बॉक्स दिखाई देगा आपको ग्रीन कलर में, उसके ऊपर आपको टैप कर देना है। तो जैसे ही मैंने कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर टैप किया, वहां पे आप देख सकते हो अभी चेंजेस हो चुके हैं पेज के ऊपर। जहां पे पहले इंडसइंड बैंक टॉप पे था, अभी वहां पे कोटक महिंद्रा बैंक टॉप पे है और यहां पे आप चेक कर पाओगे यहां पे ग्रीन टिक आ चुका है। तो यानी कि सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे इंडस पे एप्लीकेशन में हमारा मेरा दूसरा अकाउंट वो मैंने सिलेक्ट कर दिया है एज अ डिफॉल्ट अकाउंट। तो यही सिंपल स्टेप्स है दोस्तों जिन्हें फॉलो करके आप इंडस पे एप्लीकेशन में कोई भी आपका सेकेंडरी अकाउंट जो है वो प्राइमरी अकाउंट कर सकते हो। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं आप सभी से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।